सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों सिस्टम में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में लास्ट 4 to 5 ईयर से वर्क किया है। एज ए डिजिटल इन्फ्लुएंसर मैं वर्क कर रही हूँ और ये सब वर्क करते हुए अभी UPIIT में मेरी टीम 170 प्लस हुई है। लगभग 11 ऐसे लीडर है जो 300 प्लस डॉलर की इनकम कर चुके हैं, 4 ऐसे लीडर है जो 500 प्लस इनकम कर चुके हैं। सो हम सब जो इनकम कर चुके हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो या जो भी आप गेस्ट आए हो यहाँ पे, आप सब भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कौन सा सिस्टम है, आखिर UPIIT से इनकम कैसे होता है और आपका भी इनकम का जो सफ़र है वो कैसे स्टार्ट होगा, ये अगर सबको आपको सुनना है, जानना है, तो आपको कम से कम आगे के 20 से 25 मिनट यहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भले फिजिकली आप कहीं पे भी हो सकते हो, लेकिन मेंटली आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहकर सुनना पड़ेगा, तभी आपको आप भी इस तरह से रेवेन्यू अच्छे से जनरेट कर सकते हो। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज के प्लान प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हुए सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे डायरेक्ट अपलाइंट संदीप भाई का। नाउ वी कैन स्टार्ट अवर प्लान प्रेजेंटेशन हियर। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ UPIIT future.tech। दोस्तों, UPIIT क्या है? ये एक यूनिवर्सल डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है, एक 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, 100% ब्लॉकचेन बेस्ड डिप्लॉय प्रोग्राम है जो 100% ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। आज हम इस पूरे सेशन में टोटल 16 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे UPIIT क्या है, उसके बाद P2P डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, वॉलेट्स कौन से यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, हाइब्रिड मैट्रिक्स से हमें क्या मिलने वाला है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, कम्युनिटी एयरड्रॉप के माध्यम से हम सबको क्या मिलने वाला है, सेल्फ कम्युनिटी मैट्रिक्स सिस्टम क्या है, उससे हमें क्या फायदा होगा, ऑटो यूनिवर्स कम्युनिटी रिवॉर्ड क्या होता है, हाउ डज अ मैट्रिक्स वर्क, रिसाइकल इनकम क्या है, स्पिल ओवर क्या होता है, स्टैकिंग जो एक इन्वेस्टर के लिए सोचा समझा गया यहाँ पे प्लान है वो क्या है, उनके जरिए लेवल प्रॉफिट में इनकम कैसे होगा वो भी देखेंगे, और सबसे लास्ट वाले पॉइंट में डिविडेंड इनकम हम देखेंगे जो एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैसिव इनकम का स्रोत है, वो हम लास्ट वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं UPIIT future.tech कि ये क्या है। UPIIT future.tech इज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम and the first ever smart contract migrating hybrid matrix of the Binance Smart Network. This is a self-executing software algorithm that performs the function of a distributing partner reward between the community members subject to certain conditions. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये एक automatic algorithmic software है जो अपने partners को reward प्रदान करता है। इसका जो भी आदान प्रदान है, जो भी लेन देन है, आप Binance Smart Chain के ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे आप जाके उसको विजिट करके इसके बारे में सारी जानकारी आप देख सकते हो। आगे हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, और कोई भी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी को अगर आपको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज कम्युनिटी क्या होती है वो भी जानना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी सेंट्रलाइज कम्युनिटी वो होती है जिसमें कोई एडमिन होता है, कोई एडमिन होता है, कोई सेंट्रलाइज कम्युनिटी वो होती है दोस्तों की जिसमें हम दिन भर जॉब पर जाते हैं और वहां पे कोई एडमिन होता है, उस सिस्टम का कोई होल्ड रखता है, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका कोई ओनर होता है, वो होती है सेंट्रलाइज कम्युनिटी। और उसके अपोज में डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी होती है, यहाँ पे आप आपके आईडी के मालिक खुद हो। मतलब आपका ये पूरी तरह से ये बिजनेस खुद का है, इसके ऊपर आपका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि एक बार क्रिएटर भी इसको क्रिएट करके जब ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करता है तो उसका कोई हक नहीं रहता है कि डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी में हेरफार करे। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी इज वेरी सेफ। जो अभी के जो बिजनेस चल रहे हैं, सबसे बेस्ट डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी में जो बिजनेस चलता है वो सबसे सेफ और सिक्योर होता है, क्योंकि उसमें कोई ओनर मालिक नहीं होता है, आप आपके आईडी के मालिक खुद होते हो। आगे हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी
मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बैनास स्मार्ट चेन। दोस्तों, आखिर क्रिप्टो करेंसी का जन्म कैसे हुआ ये जानने के लिए हम थोड़ा मानवीय सभ्यता को पीछे चल के जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि बहुत पहले चलान मतलब बहुत पहले के जमाने में बार्टेनिंग सिस्टम सबसे पहले आई थी। मतलब आदान प्रदान के लिए वस्तुओं का चलन होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उसके बाद फिजिकल ऑब्जेक्ट पेपर मनी जिसको हम नोट बोलते हैं, ये तो सभी को पता है। गोल्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी किसी को नहीं पता होगी, यहाँ पे बैठे हुए सभी व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मनी पता है क्योंकि कोरोना काल के बाद तो सभी के मोबाइल में लगभग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे हम सब लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बदलाव की जरूरत है, ये अगर हम बदलाव के साथ चलेंगे तभी टिकेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी भी तो एक बदलाव ही है। 2009 में इसका जन्म हुआ था, साकी नाकाजी ने बिटकॉइन के जरिए में इससे इसका जन्म किया था, लेकिन मैंने भी और आप सभी ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया था, इसलिए हमारे पास आज बिटकॉइन नहीं है। लेकिन जिसके पास भी है आज वो करोड़पति है, आज हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो अभी यूपीआईटी टोकन आया है 2023 में, मतलब अब अगर हम अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते तो वापस हम जैसे बिटकॉइन को छोड़ दिया था वापस अभी यूपीआईटी को भी छोड़ देंगे। सो इस अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी से जल्दी ग्रैब करिए। आगे हम देखेंगे यूपीआईटी फ्यूचर इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ब्लॉकचेन यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल है। हम किसी भी व्यक्ति को अगर सर्च करना है तो हम फेसबुक का यूज करते हैं, बराबर। अगर यहाँ तक हमें किसी सेंट्रलाइज कंपनी को मतलब चेक करना है, किसी भी चीज को चेक करना है, तो हम विकिपीडिया यूज करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया यूज करते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? गूगल के ऊपर मिलता है, मतलब हम गूगल का यूज करते हैं सर्चिंग इंजिन के लिए, बराबर। तो वैसे ही अगर किसी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो आप कॉपी पेस्ट करके बीएससी स्कैन के ऊपर जब अपलोड करेंगे तब वहां पे सारा डेटा एक्सप्लोर होगा, आपको सब कुछ वहां पे सामने आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे पॉकेट्स, वॉलेट्स। आखिर वॉलेट्स अभी क्या होता है पहले ये जानते हैं। दोस्तों, वॉलेट्स एक प्रकार का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जो हमारे एंड्रॉयड फोन में भी बहुत अच्छे से रन करता है। ये एक प्रकार का डिवाइस है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इसको मिला के बनाया गया है, जिसमें डिजिटली हमारे कॉइन्स जो है स्टोर किए जाते हैं, उसका आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं वॉलेट्स। अभी उसमें दो प्रकार के वॉलेट्स होते हैं, एक तो कोल्ड वॉलेट होते हैं या हॉट वॉलेट होते हैं। इसको दो प्रकार में हमारे पूरे वर्ल्ड ने इसमें डिवाइड किया गया है कि हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। उसमें से अभी तीन वॉलेट आपके सामने दिख रहे हैं, मेटामास्क लैपटॉप में बहुत अच्छे से रन करता है, टोकन पॉकेट आप आईफोन में यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट आप जनरली सभी एंड्रॉयड फोन में यूज कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद इसके जब हम डाउनलोड करते हैं तो 12 शब्दों का हमें एक पासवर्ड मिलता है इन वॉलेट की तरफ से। तो ये जो पासवर्ड मिलता है ये किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना होता है क्योंकि ये एटीएम पिन की तरह वर्क करता है। अभी मैं एटीएम पिन इसीलिए यूज कर रही हूँ ये शब्द, क्योंकि एटीएम पिन कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये हस्तांतरीय नहीं होता है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बहुत सेफ और सिक्योर रखना होता है। अगर आपने इसको सेफ रखा तो ये कभी हैक नहीं होगा। आगे हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हमने अभी देख लिया कि वॉलेट्स कौन से यूज करने हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे मिनिमम रजिस्ट्रेशन $15 से स्टार्ट होता है, S9 मैट्रिक्स को बोलते हैं, प्री मैट्रिक्स या फिर हेल्पिंग मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अभी हेल्पिंग मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं ये एकदम आगे हम विस्तार से जानेंगे। U3 को हम $50 से एंट्री कर सकते हैं और इसको हम ग्लोबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसको भी अभी ग्लोबल मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है ये हम आगे विस्तार से जानेंगे। आगे देखेंगे हम एयरड्रॉप प्रोग्राम। अभी जस्ट हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। $15 से जब हमारी एंट्री होगी तो 1,00,000 कम्युनिटी को एयरड्रॉप के माध्यम से, जो पहली 1,00,000 कम्युनिटी आने वाली है उनको जो भी अमाउंट है वो 2% डेली के हिसाब से रिटर्न मिलेगी, तब तक मिलेगी कि उनकी पूरी की पूरी रकम वापिस नहीं हो जाती। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो फुली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो लोग U3 में यहाँ पे एंट्री लेंगे
S9 के साथ U3 में भी जो एंट्री करेंगे उनको 50 दिनों में यहाँ से जो भी अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। और सिर्फ जो S9 में एंट्री करेंगे उनको 100 डेज में रिटर्न हो जाएगा। मतलब सिस्टम अपनी तरफ से कम्युनिटी एयरड्रॉप के माध्यम से रिफंडेबल अमाउंट दे रही है, सो रजिस्ट्रेशन इज 100% फ्री हियर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्फ कम्युनिटी मैजिक मैट्रिक्स सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब तक हमने थियोरेटिकल पार्ट देखा, वॉलेट्स देखे, रजिस्ट्रेशन देखा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे जानने के लिए आए हो कि हम आखिर इनकम कैसे करने वाले हैं, सो यहाँ पे अभी निगाहें जमा के रखना क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी प्रेजेंटेशन का। क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद हमें इनकम कहाँ से होगा ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो जब भी आप S9 में आते हो, मैंने पहले ही बोला कि S9 को हेल्पिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। जब आप हेल्पिंग मैट्रिक्स में S9 में $15 से एंट्री करते हो तब आप U की पोजीशन में आते हो, बराबर। U की पोजीशन में आने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो 3 आसमानी कलर के जो बिंदु दिख रहे हैं उसको हम ABC कंसिडर करेंगे। अभी प्रत्येक ABC के नीचे WW के निशान जो बने हुए हैं उसको हम वॉलेट्स बोलेंगे। जब भी आप U की पोजीशन में आते हो और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदुओं का, ये व्यक्ति है, ये पर्सन है। जब भी कोई व्यक्ति आपके स्पॉन्सर लिंक से आएगा तो वो यहाँ पे ABC में आएगा या उन वॉलेट में जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं उसमें भी आएगा। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही किसी को स्पॉन्सर करो, मतलब आपकी तरफ से कोई ज्वाइनिंग करे। अगर आपकी तरफ से कोई आने वाला व्यक्ति हो या फिर आपके अपलाइन की तरफ से, आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से या फिर आपकी डाउनलाइन की तरफ से, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है। और आपको एक स्ट्रक्चर से कितना फायदा होने वाला है, जो टोटल 12 लोग आएंगे उसमें से 3 का पेमेंट आपको आपके अपलाइन को जाएगा, 8 वॉलेट जो दिख रहे हैं 8 लोगों का पेमेंट आपको 100% आएगा। लास्ट वाला रिसाइकल जो लिखा हुआ है उसका मतलब रिसाइकल है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लॉट परचेस करने में जाएगा। अभी जो एरो का निशान लगा हुआ है W के बाजू में, वो उस पोजीशन में जो भी व्यक्ति आएगा उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि नेक्स्ट जो भी स्लॉट है, इसके बाद का नेक्स्ट जो भी स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली परचेस होगा। मतलब यहाँ पे सिस्टम ने 2 चीजें सोच के रखी है, एक तो आपको इनकम भी आएगा प्लस दूसरा आपका ऑटोमेटिकली स्लॉट भी परचेस होता जाएगा। मतलब आपको स्लॉट परचेस करने के लिए अपनी जेब से पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप मैन्युअली परचेस कर सकते हो लेकिन यहाँ से वर्किंग करके ऑटोमेटिकली भी नेक्स्ट स्लॉट परचेस होगा। सो हर स्लॉट से आपको 8 गुना वाली रकम इनकम होने वाली है। अभी यहाँ पे टोटल कितने स्लॉट है और कितनी इनकम हमें जनरेट होगी ये हम नेक्स्ट देखेंगे। हाउ डज S9 मैजिक मैट्रिक्स सिस्टम, मैंने ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर के जरिए आपको इनकम कैसे होगा, 8 गुना के आपको इनकम जो होने वाली है वो बता दिया है, लेकिन इसमें से एक पॉइंट बताना बाकी है जो 10% डिडक्शन ऑफ एवरी इनकम फॉर डिविडेंड इनकम, ये हम लास्ट में जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि S9 में टोटल कितने स्लॉट्स है। जो मैंने अभी आपको बताया कि 8 गुना की इनकम हम एक स्लॉट के माध्यम से करने वाले है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लॉट भी परचेस होगा, सो टोटल कितने स्लॉट है, टोटल यहाँ पे 11 स्लॉट है। जैसे 15 का स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 240 है, उसके बाद 960 है, ऐसे स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे ऑटो रिसाइकल इनकम। मतलब ये जो सारे स्लॉट्स है, हर स्लॉट से हमें 8 गुना की इनकम होने वाली है। सो अगर हम एक चार्ट के जरिए हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हम 15 वाले स्लॉट में है वहां से अगर 8 गुना की इनकम हमें हो जाती है तो वो कितनी होगी। सो वो इनकम होगी $120। जब आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लॉट भी हमारा परचेस हो जाएगा या फिर आप मैन्युअली भी परचेस कर लोगे, वहां से भी सेम आपको 8 गुना की इनकम होने वाली है। वो मैट्रिक्स भले आप कंप्लीट करो, आपकी तरफ से पूरा कंप्लीट हो या आपके अपलाइन की तरफ से, आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से, आपकी डाउन लाइन की तरफ से, या सबकी सबको मिला के सबकी मेहनत से अगर आपका साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको नेक्स्ट लेवल में $480 की इनकम होगी। उसके बाद जब आप 240 के स्लॉट में, 240 के स्लॉट में चले जाते हो, वहां से अभी सेम आपको 8 गुना वाली इनकम होने वाली है,
मतलब $1,920 की इनकम होगी, और ये जो भी इनकम दिख रही है ये डॉलर में है दोस्तों। ऐसे करते करते आप जब 11वें स्लॉट में 11th स्लॉट के ऊपर तक चले जाते हो, मतलब एक बार ये रिसाइकल हो जाता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तब तक आपकी इनकम एक बार अगर जोड़ के देखे जाए तो बनती है $10,48,57,560। और ये इनकम जो है डॉलर में है दोस्तों। आप इसको कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको समझ में आएगा कि रकम कैलसी में भी जल्दी नहीं आती है। आगे हम देखेंगे टू टेक सक्सेसफुली रिकमेंड हैव अ मिनिमम सिस्टम की तरफ से एक रिकमेंडेशन किया जाता है। दोस्तों मैं पहले आपको बताना चाहूँ कि मैंने जिस भी सिस्टम में पहले वर्क किया है, बहुत सारे सिस्टम देखी, ROI प्लान्स भी देखे, और बहुत सारे सिस्टम में एक ऑटो पुल पाने के लिए, एक पैसिव इनकम पाने के लिए सिस्टम की तरफ से हमेशा रिकमेंडेशन किया जाता था कि कम से कम 1,000 की टीम बनाओ, कम से कम 2,000 की टीम बनाओ। लेकिन यहाँ पे सिस्टम की तरफ से इतना छोटा सा रिकमेंडेशन है कि अगर आप एक अच्छी इनकम पाना चाहते हो, जल्दी से यहाँ पे ग्रो अप होना चाहते हो, तो अपने सिर्फ 3 पार्टनर के साथ एंट्री करो। कितना? मिनिमम थ्री पार्टनर के साथ जब भी आप एंट्री करते हो तो बड़ी अचीवमेंट पा सकते हो बहुत ही कम समय में, जैसे मैंने पाया है। सो सिस्टम की तरफ से बहुत ही छोटा सा रिकमेंडेशन है, उसके साथ साथ आपको और एक रिकमेंड करता है दैट वी डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू अपग्रेड मल्टीपल स्लॉट एट वन टाइम। मतलब सिस्टम आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है कि कोई भी मल्टीपल स्लॉट परचेस ना करें, ये भी रिकमेंड कर रहा है सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो खुद होके ऐसे बोलता है। आगे हम देखेंगे ओवरफ्लोस एंड ओवरटेक। ओवरफ्लो एंड ओवरटेक ये क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको पहले ही बताया कि S9 मैट्रिक्स को हेल्पिंग मैट्रिक्स बोला जाता है। अभी जब इसको हेल्पिंग मैट्रिक्स बोला जाता है, मतलब आपकी अपलाइन जो वर्क कर रहा है उनके पास से कोई व्यक्ति अगर ओवरफ्लो होके ओवरटेक करके आता है तो कौन से स्ट्रक्चर में कहाँ पे जाके बैठेगा और ये आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पार्टनर कहाँ से आया है? तो आपके आईडी के ऊपर जब आप लॉगिन करोगे तब आपके आईडी के ऊपर इन जो कलर कोड दिखाई देंगे उसके जरिए आप समझ जाओगे कि पार्टनर कहाँ से आ है। जैसे अगर आपके आईडी के ऊपर ग्रीन कलर शो होता है देन पर्सनल पार्टनर की तरफ से वो पार्टनर आया है। अगर आपको स्काई ब्लू कलर शो होता है देन ओवरफ्लो फ्रॉम सुपेरियर, और अगर आपको रेड कलर शो होता है देन ओवरफ्लो फ्रॉम डाउनलाइन, और अगर पिंक कलर शो होता है देन पार्टनर हु ओवरटूक हिज सुपीरियर। मतलब अलग अलग कलर कोड के जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से पार्टनर के थ्रू हमारे स्ट्रक्चर में आके बैठा है, हमें जो इनकम हुई है वो कहाँ से हुई है, ये आप समझ सकते हो। अभी जानेंगे हाउ डज ऑटो यूनिवर्स कम्युनिटी रिवॉर्ड। आपका सबसे पसंदीदा चैप्टर जो S9 था वो वर्किंग मैट्रिक्स, हेल्पिंग मैट्रिक्स, अभी U3 ग्लोबल मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले ही बताया। ग्लोबल मैट्रिक्स के साथ साथ ये 100% नॉन वर्किंग मैट्रिक्स है। अभी इसको नॉन वर्किंग मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें वर्किंग करने के लिए कोई जगह ही नहीं दी है। जब हम वर्क करते हैं, हमारी टीम वर्क करते हैं, तब जाके हमें नॉन वर्किंग आता है, लेकिन यहाँ पे पूरी सिस्टम की सिस्टम वर्क कर रही है तब हमें इनकम होने वाला है U3 मैट्रिक्स के माध्यम से। U3 में हम एक बार एंट्री करेंगे $50 से। $50 से एंट्री करने के बाद पहले लेवल में आपके पास जब 3 व्यक्ति आते हैं, जब आपके सामने जो वॉलेट्स का निशान दिखाई दे रहा है उससे क्या होगा, तो उससे आपको $50 की इनकम होगी और बाकी के जो मतलब $150 की इनकम होगी, और वहां से $50 आपके वॉलेट में आएंगे और आगे के जो डॉलर है वो नेक्स्ट स्लॉट U9 का स्लॉट परचेज करने में ऑटोमेटिकली अपग्रेड में चले जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट लेवल में जब 9 व्यक्ति आएंगे उसमें से 4 व्यक्तियों का पेमेंट आपके वॉलेट में आएगा और 5 का पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली स्लॉट परचेज करने में, स्लॉट अपग्रेड करने में आगे चला जाएगा। मतलब U3 और U9 ये ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, ग्लोबली चलता जाएगा। ये 100% नॉन वर्किंग मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ आपको एक बार एंट्री लेनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सो U3 में और U9 में टोटल कितने स्लॉट है ये हम आगे जानेंगे। यूनिवर्सल स्लॉट्स U3 में टोटल 6 स्लॉट है जो आपके सामने है, वैसे ही U3 में भी टोटल 6 स्लॉट है जो आपके सामने है। और हम अगर यूनिवर्सल स्लॉट U3 एंड U9 की प्रॉफिट की अगर बात करें, अगर एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 50 प्लस उसके बाद में $400 की इनकम होने वाली है, तो एक बार हम U3 और U9 को अगर जोड़ लेते हैं फर्स्ट लेवल में तो आपको कितना होगा,
$450 का बेनिफिट, उसके बाद कितना होगा $4,500 का बेनिफिट। ऐसे करते करते जब पूरे 6 लॉट परचेस हो जाते हैं तब टोटल इनकम कितनी बनती है यूएसडीटी में 9,99,99,950। ये डॉलर में है इनकम दोस्तों, इसको आप कैसे में कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में देख सकते हो कि रकम कितनी बड़ी बनती है। आगे हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट व्हेन ऑल स्लॉट्स आर परचेस्ड। अब तक जैसे मैंने आपको बताया कि S9 हेल्पिंग मैट्रिक्स, वर्किंग मैट्रिक्स, रिसाइकल इनकम जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम उस पहले S9 को एक बार वाले इनकम से जोड़ के फिर U3 को और U9 की इनकम सभी को जोड़ के जब आप एक कैलकुलेट करके देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट जो है लगभग 19,17,50,330 USDT, मतलब डॉलर में इतनी बड़ी रकम होने वाली है। और ये रकम भी आपकी कैसे में जल्दी से नहीं आएगी, ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। आप समझ सकते हो इस बात को जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप सभी समझदार व्यक्ति हो, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो था S9 मैट्रिक्स, U3 का भी हमने देखा। अभी हम देख रहे हैं स्टैकिंग चार्ट। स्टैकिंग चार्ट आखिर क्या है? स्टैकिंग चार्ट उनके लिए है जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग होते हैं। अब इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? वही लोग जो सी बोलते हैं कि हम वर्क नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, ये पैसे पकड़ो और जो करना है करो, हमें बस प्रॉफिट दिला दो। सो उन व्यक्तियों के लिए सिस्टम ने यहाँ पे स्पेशली कुछ सोच के रखा है, वो है स्टैकिंग चार्ट। अगर कोई $20 से भी स्टैकिंग डालना चाहता है तभी भी उसको 200% का प्रॉफिट होगा। मतलब 540 डेज के लिए अगर अपना $20 का स्टैकिंग डालता है तो उसको 200% का प्रॉफिट होगा। वैसे ही अलग अलग पैकेजेस है जो आपके सामने है, 200% के प्रॉफिट के ऊपर अलग अलग डेज में अगर वो रखते हैं तो उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उनको अगर कहीं मन हुआ 30 डेज में मुझे रिटर्न चाहिए, मैंने अभी स्टैकिंग तो डाल दिया लेकिन 30 डेज में मुझे रिटर्न चाहिए, तो फिर भी वो यहाँ पे 25 डिडक्शन के ऊपर 30 डेज में रिटर्न ले सकते हैं, या फिर 100 डेज में 10% डिडक्शन के ऊपर वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्लेम करके रिटर्न ले सकते हैं। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का उनका इन्वेस्टमेंट है जीरो के ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। आगे हम जानेंगे लेवल प्रॉफिट। जस्ट मैंने आपको जो बताया कि ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लोगों के लिए जो 200% का प्रॉफिट होने वाला है अलग अलग पैकेजेस बाय करके, परचेस करके, स्टैकिंग करके। उन्होंने तो परचेस कर लिया, स्टैकिंग कर लिया, 200% का प्रॉफिट भी ले लिया, लेकिन उनकी वजह से आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर आपके अंडर, आपके स्पॉन्सर आईडी के ऊपर, आपके आईडी के अंडर किसी ने अगर स्टैकिंग डाला है तो आपको लेवल इनकम मिलेगा यहाँ से। तो ये भी वन ऑफ द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों, अच्छे से समझ लो। क्योंकि अगर जब आपके पास पहले लेवल में किसी ने स्टैकिंग डाला फिर भी आपको 10% की इनकम होगी, दूसरे लेवल में 5% की, तीसरे लेवल में 3% की, फोर्थ टू एट लेवल तक 2% की, और नाइन्थ और टेंथ लेवल में 1% की पैसिव इनकम यहाँ से आपको मिलने वाली है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर हमारी टीम में 5 लोगों ने 100 का पैकेज परचेस किया है और 10% के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा $50 का पहले लेवल में। वैसे ही वो टीम जब 25 की होती है तो नेक्स्ट लेवल में 5% के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा $125 का। ऐसे करते करते जब वो टीम मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ती है तो वैसे प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ेगा। और ये जब लास्ट तक, मतलब 10 लेवल तक यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वो बनेगा 1,26,95,550, मतलब 1.5 करोड़ के समथिंग ये इनकम बैठेगी दोस्तों। आप इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, इंडियन करेंसी में ये रकम भी बहुत बड़ी होने वाली है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कम्युनिटी डिविडेंड रिवॉर्ड इनकम। जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, एक लीडर के लिए सबसे बेहतरीन इनकम है, क्योंकि कोई भी लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई भी और भी अदर बिजनेसेस हो या एफिलिएट हो, कोई भी ये सोच के आता है कि एक मैं ऐसा काम करूं कि वहां से मुझे एक
ऐसा अल्टीमेट इनकम मिले जो पैसिव इनके इनकम का लगातार सोर्स हो, जो आपके सामने डिविडेंड रिवॉर्ड इनकम है, ये एक बेहतरीन पैसिव इनकम है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी सिस्टम वर्क करेगी तब आपको ये पैसिव इनकम मिलने वाला है। और इसका क्राइटेरिया समझ लो जो बहुत ही छोटा है, उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से आने वाला है। सो ये कम्युनिटी एयरड्रॉप से 10% कट होके, S9 मैट्रिक्स से 10% कट होके, लेवल प्रॉफिट से 10% कट होके, इकट्ठा होके उन लोगों में बटेगा। अभी क्राइटेरिया समझ लो, ये उन लोगों में बटेगा जो 60 वाले स्लॉट में बैठे हैं, ABC के साथ है, और जो U3 में जिन्होंने एक बार एंट्री किया है। मतलब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो $145 से जिसका एंट्री होगा उसको पहले दिन से ही डिविडेंड इनकम मिलना स्टार्ट होगा। और ये कितना स्टार्ट कितना आ सकता है इसका कोई हम बता नहीं सकते, मिनिमम $1 से लेके मैक्सिमम $100 तक ये आ सकता है, कितना भी आ सकता है। मैंने खुद यहाँ से $180 की डिविडेंड इनकम रिवॉर्ड ली है दोस्तों, जो हर सुबह मॉर्निंग में हमें हमारे ID के ऊपर आती है, हम उसको विड्रॉ करके वॉलेट में ट्रांसफर के बाइनांस में जाके INR में कन्वर्ट करके बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम है। ये वो पैसिव इनकम है जब पूरी की पूरी सिस्टम वर्क कर रही है तब आपको डेली मिल रहा है, और वो भी बहुत ही छोटे से क्राइटेरिया के साथ कि जो 60 वाले स्लॉट पे है और जिसका एक बार U3 में ज्वाइनिंग है। तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम अगर आप पाना चाहते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे मैंने प्लान प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। आई होप सो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू माय ऑल अपलाइन, थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद। जब भी आप ऐसे वीडियो पाना चाहें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।